अलीगढ़ में 6 दिसंबर को प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिले और जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा जिले में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा में इगलास के ग्राम कैमावली में प्रतिभाग कर आमजन को एलईडी के माध्यम से मोदी की गारंटी संदेश सुनाते हुए सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये यात्रा भाजपा के द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे, मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। सर एक सर, भारत विकास संकल्प यात्रा है, इसके द्वारा आप प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। हमने आज विस्तार पूर्वक इनको ये बताया कि बेटी जब से पैदा हो और जब तक अपनी ससुराल जाए तब तक मुफ्त पढ़ाई है, उसके पैसे भी जमा होते हैं खाते में। कोई भी व्यक्ति देश में आज भूखा नहीं सोता है, 80 करोड़ व्यक्तियों को खाना मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस देश में, गरीब व्यक्ति जो इलाज के अभाव में मर जाए। आज हमारे गांव में संकल्प यात्रा आई है, मोदी जी की बहुत अच्छी योजना चली है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा जानकारियां मिली हैं और मैं आयुष्मान का लाभ भी ले चुकी हूं, आयुष्मान कार्ड भी है मेरा और उसमें मुझे लाभ भी मिला है। मुझे शौचालय जो मोदी जी और माननीय योगी जी ये जो 12,000 रुपये का अनुदान दिया है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बाहर जाने में पहले दिक्कत होती थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं माननीय योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी की आई है। इस योजना में जो भी योजना बताई गई है उस योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बना, जिस योजना से मैंने अपना इलाज लिया। अगर ये योजना ना होती तो मैं कभी इलाज नहीं ले पाता।